तो बजट 2022 में सबसे पहले हम जिस क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है टैक्स। सबसे पहले जानेंगे कि टैक्स में टैक्स को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में क्या अहम घोषणाएं की हैं, टैक्स लैब में कितनी घटबड़ हुई है, टैक्स आगे क्या रह सकते हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया है कि सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स दरों में कटौती करने का फैसला किया है। इस बजट में कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% की टैक्स दर को घटाकर 15% करने का ऐलान और सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% करने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही इनकम बेस को भी 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ किए जाने की घोषणा की है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर अब 15% टैक्स लगेगा। सबसे अहम बात कि सरकार ने आयकर दरों या स्लैबों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। इनकम टैक्स स्लैब जस के तस बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जहां टैक्स छूट की लिमिट 2.5 लाख से ऊपर करने की उम्मीद थी, उस पर भी निराशा ही मिली। नौकरी पेशा वर्ग इस बार के बजट में इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आखिरी बार टैक्स स्लैब में बदलाव 2014 में किया गया था। उस वक्त टैक्स छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया था, यानी लगातार 9वें साल टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं बिना मिश्रण वाले ईंधन पर 1 अक्टूबर से 2 रुपये लीटर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा। इसका मकसद पेट्रोल और डीजल में जैव ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा देना होगा। वहीं डिजिटल असेट और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा एक बड़ा नियम लाया गया है। बजट में प्रस्ताव है कि अब क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगेगा। वहीं डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर पर भी 30% का टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने एक बड़े टैक्स घोषणा में कहा है कि कर्मचारियों को NPS में पेंशन पर टैक्स में छूट मिलेगी। वहीं नई स्टार्टअप कंपनियों को 1 साल तक टैक्स में छूट मिलेगी। सरकार के पास नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है। अगले 2 असेसमेंट साल तक अपडेटेड ITR संभव होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा था कि करदाता आकलन वर्ष असेसमेंट ईयर के अंत से 2 वर्षों के भीतर अपडेट रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा ITR भरने में गड़बड़ी हुई तो सुधार का मौका भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग को पता चलता है कि कोई टैक्स पेयर ITR नहीं भर रहा है तो फिर लंबी प्रक्रिया शुरू होती है। इस झंझट से मुक्ति देने के लिए टैक्स भरने में चूक पर सुधार का मौका दिया जाएगा। अब ITR भरने में गड़बड़ी हुई तो 2 साल तक सुधार करने का मौका भी दिया जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि इस साल 2022 के बजट में टैक्स में कोऑपरेटिव टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है। वहीं सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। लेकिन बात करें अगर नौकरी पेशा वालों की, तो नौकरी पेशा वालों को इस बार निराशा ही हाथ लगी है बजट 2022 में, क्योंकि टैक्स स्लैब्स के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। नौकरी पेशा वालों का कहना है कि ये लगातार 9वां साल है, यानी कि साल 2014 में टैक्स स्लैब में यानी कि टैक्स की जो दरें हैं उनमें बदलाव किया गया था, और ये लगातार 9वां साल है जबकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो नौकरी पेशा वाले बजट 2022 से थोड़े से हल्के मायूस नज़र आ रहे हैं। वहीं क्रिप्टो करेंसी को लेकर नया फैसला आया है, बड़ा ऐलान है कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। अब इससे आगे बिटकॉइन जैसी कई अन्य क्रिप्टो करेंसी में निवेश बढ़ता है या घटता है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि पहले इस पर कोई टैक्स नहीं लगता था जिसकी वजह से सरकार ने इसको बैन कर रखा था। सरकार का कहना था कि जब निवेश किया जा रहा है इसके अंदर और सरकार को कोई भी टैक्स नहीं दिया जा रहा है
तो सरकार इसको अभी हाल फिलहाल के लिए बैन कर दे रही है, क्योंकि इसका अभी तक कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बुनियाद नहीं था कि इस चीज़ को रेगुलेट कौन कर रहा है, इस चीज़ से ज़्यादा फायदा रहेगा ये नुकसान। लेकिन अब सरकार ने भी इसमें इंटरवेंशन कर दिया है, हस्तक्षेप कर दिया है, जिसकी वजह से अब आने वाले समय में ये पता लग पाएगा कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स भारत के लिए कितने लाभदायक हैं और कितने नुकसानदायक। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे टैक्स बजट की, कि टैक्स साल 2022 के बजट में टैक्स क्षेत्र के लिए क्या फायदा रहा, क्या नुकसान और क्या बड़ी घोषणाएं रही। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।